दी, मम्मी पापा तो दो दिन बाद आएंगे ना मामा के यहाँ से, तो मैं क्या सोच रही थी हम दोनों ना कहीं घूमने का प्लान। ऐसा है, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारा काम करना है जो मम्मी देके गई हैं। देख ज्यादा नाटक मत कर वरना जो बगल में भूत बंगला है ना वहीं पे ले जाके छोड़ाऊंगी तुझे, समझी? अरे दीदी आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मम्मी ने भी आपको यही बोल बोल के डराया था ना कि अगर काम नहीं करेगी, बात नहीं मानेगी तो भूत बंगले में छोड़ाऊंगी और तुझे भूत पकड़ के ले जाएगा। मुझे ना सब पता है और अब आप वही सारी ट्रिक्स मेरे ऊपर अपना रहे हो, मुझे पागल बना रहे हो। सब पता है मुझे, मैं ना कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। और हाँ, मैं नहीं आने वाली आपके झांसे में, तो मुझे डराना बंद करो, वहाँ कोई भूत वूत नहीं रहता। हाँ हाँ तुझे सब पता है ना, महारानी है तू तो, अंतर्यामी जो है। देख ऐसा है, मेरी बात मान, कभी भी गलती से भी उधर मत जाइयो, वो सच में भूत बंगला है और वहाँ पे भूत रहते हैं। अरे दीदी आप बचपन में भी फट्टू थी और आज भी फट्टू की फट्टू ही हो। और अगर आपको सच में लगता है ना कि वहाँ भूत है तो एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, आपको देख के ना खुद पता चल जाएगा कि वहाँ भूत है या नहीं। अच्छा सच में ऐसा है क्या? मतलब मम्मी मुझे सच में झूठ बोल के डराती थी? अरे हाँ दीदी, और आप डरती भी थी। अच्छा अच्छा ठीक है, देख अगर ऐसा है ना फिर एक काम करते हैं, आज शाम को ही हम दोनों वहाँ पे चल के खुद से देखते हैं कि वहाँ पे सच में कोई भूत है या नहीं, आखिर वहाँ पे क्यों जाने से लोग डरते हैं, ठीक है? हेलो, हाँ मम्मी। हाँ बेटा मैं पहुँच गई हूँ तेरे मामा के घर, तुम दोनों भी ना अपना ख्याल रखना, और हाँ बेटा स्वाति को ना उस घर में मत जाने दियो, उस भूत बंगले में वो खेलने चली जाती है। हाँ हाँ मम्मी मैं ध्यान रखूंगी। चल ठीक है बेटा बाय। ओके मम्मी बाय। क्या हुआ दीदी? अरे कुछ भी नहीं, हम ना शाम को चलेंगे, तू शाम को तैयार रहियो, ठीक है? चल अब जा मेरे लिए कुछ अच्छे सा खाने को बना के ले आ। अरे यार घर में छोटा होने से अच्छा है ना कहीं नौकरी लग जाओ, बस एक ही फर्क है कम से कम सैलरी तो मिलेगी। अच्छा ज्यादा मुंह नहीं चला रही तू, तू जा रही है नहीं या दो एक? हाँ हाँ जा रही हूँ। अरे दीदी चलो ना। चल तो रही हो, रुक जा। कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम ले लो, ले लो ले लो ले लो कच्चा बादाम। ये दोनों किस जा रही हैं? ओए कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो ना अंकल हम बैट बॉल खेल रहे थे तो अंदर ना हमारी बॉल चली गई, बस वही लेने जा रहे थे। बैट बॉल? और तुम दोनों? हाँ तो हम लड़कियां नहीं बैट बॉल खेल सकती क्या? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब उस बॉल को भूल जाओ, अंदर नहीं जा सकते तुम दोनों, अंदर जाना मना है। हाँ तो अंकल हम नहीं जाएंगे अंदर, लेकिन प्लीज आप हमारा एक काम कर दो, आप ना हमारे लिए बॉल लेके आ जाओ, हम आपको पैसे दे देते हैं, तब तक हम यहीं पे खड़े हैं, हम अंदर नहीं जाएंगे। मैं क्यों लाऊं तुम्हारी बॉल? क्योंकि हम आपको आपकी बीड़ी के पैसे एक्स्ट्रा देंगे। हाँ हाँ ठीक है लाओ, लाता हूँ। और तुम दोनों गलती से भी अंदर मत जाना वरना। अरे दीदी देखना कुछ भी तो नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल, फालतू में ही डर रहे थे आप, और लोगों ने ना फालतू में अफवाह बना रखी है कि आप भूत भूत रहते हैं, कोई नहीं रहता यहाँ पे। हाँ यार स्वाति तो सच कहती थी,
कि मैं फालतू में डरती हूँ। यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इंसानों के जैसे ही घर लग रहा है, सब नॉर्मल है बिल्कुल ही। सोती, आवाज कहाँ से आ रही है? तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ दीदी, आवाज तो मुझे भी आई। मम्मी, मम्मी, मम्मी। अरे दीदी, आप तो फालतू में डर गए, मैंने फोन में म्यूजिक लगाया था। स्वाति बस कर दे अब तू, तेरा ना बहुत हो गया। मैं ही बेवकूफ थी, मुझे ना तेरी बातों में आने नहीं चाहिए था। मैं ही पागल थी जो तेरी बातों में आके यहाँ पर आ गई। मैं जा रही हूँ। स्वाति ये क्या है? अरे दीदी कुछ भी तो नहीं, नींबू है, नींबू। आप भी ना देखो, नींबू ही तो है। तू पागल हो गई है क्या? मैं जा रही हूँ, तुम मर के लिए यहाँ पे। अरे दीदी लगता है दोनों डर के भाग गई, पर चलो पीढ़ी का तो जुगाड़ हुआ। जा कर ही है, जाके मेरे लिए चाय और मैगी बना के ले। क्या घूर क्या रही है? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? अबे ओ तमीज से बोल ले, छोटी है छोटी की तरह रह, वरना इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी और तू शोर मचा के किसी को बुला भी नहीं पाएगी। मम्मी पापा भी नहीं है घर पे। और जा, ये सब तू मेरे लिए बना के ले आ। जब जिंदा थी तब भी सब यही बोलते थे, तू छोटी है ये मत कर, छोटी है वो मत कर, छोटी है तमीज से बोल, छोटी है किसी को जवाब मत दे। और अब जब मर गई तो भी इस दुख से पीछा नहीं छूट रहा। और हाँ सुन, अगर आगे से बड़ी होने का रौब दिखाया ना, तो तुझे भी अपने साथ उसी बंगले में ले जाऊंगी और तुझसे सारा काम कराऊंगी, समझी? नहीं नहीं, मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगी स्वाति, मैं घर का सारा काम करूंगी। प्लीज मुझे नीचे उतार स्वाति, प्लीज नीचे उतार। बताओ दी क्या चाहिए आपको, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे दी क्या हुआ आपको, आप मुझे दी क्यों बोल रहे हो और आप इतना परेशान क्यों हो? रुको मैं ना अभी आपके लिए ठंडा पानी लेके आती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू आराम से बैठ, मैं लेकर आती हूँ तेरे लिए और चाय भी बना दूंगी, तू बता पिएगी? अरे नहीं दी, आप क्यों लाओगे, आप बड़े हो ना, आप रुको मैं छोटी हूँ, मैं लेके आती हूँ। अरे यार मैं नहीं हूँ बड़ी, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं, तू बैठ मैं लाती हूँ तेरे लिए, बैठ तू। अरे दी अगर आप अब इतना बोल ही रहे हो तो ले आओ, कोई बात नहीं। स्वाति ये ले तेरा खाना, रुक मैं पानी भी लेकर आती हूँ। Oh, yeah.
अरे दी आप भी खाओ ना। अरे नहीं नहीं तू खा ले अच्छे से। अच्छा स्वाति तू आराम से खा, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। हेलो हेलो मम्मी, मम्मी ये स्वाति को पता नहीं क्या हो गया है, अजीब अजीब तरीके से बातें कर रही है और पता नहीं क्या क्या बोल रही है, जिंदा थी मर गई थी, मम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है मम्मी। भूत बंगले की तरफ गए थे क्या वो? अरे क्या हुआ बोल ना जल्दी। हाँ मम्मी वो मैंने तेरे को बोला था ना कि उसका ध्यान रखियो, वो भूत बंगले के वहां ना जाए। तू क्या कर रही थी उस टाइम? मम्मी वो चुप कर तू, कल मैं आती हूँ, जब तक उसका ध्यान रखियो। ठीक है मम्मी। स्वाति और कुछ चाहिए? नहीं दी मेरा तो हो गया, बहुत मजा आया, बहुत टेस्टी था। स्वाति मेरी बात सुन, ये फोन चलाना बंद कर, सारा दिन फोन में लगी रहती है, ज्यादा फोन चलाएगी ना तो बूढ़ी होने से पहले ही अंधी हो जाएगी, जा फोन रख दे और आराम कर जाके सो जा। फिर शुरू हो गई तू, तेरी छोटी बहन तुझे कभी बोलती है? जो तू उसे बोल रही है, फोन चलाओ तो दिक्कत, टीवी देखो तो दिक्कत, बाहर जाओ तो दिक्कत, करूं क्या मैं? मेरी बड़ी दी भी ऐसे ही करती थी, मैंने उसको भी मार दिया और खुद भी मर गई, लगता है तेरे साथ भी वही करना पड़ेगा। नहीं 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 मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगी तुझे स्वाति, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे दी अब क्या हो गया आपको? नहीं नहीं स्वाति कुछ भी तो नहीं, तूने खाना खा लिया है ना, तो अब तू एक काम कर आराम से टीवी देख या मर्जी करे तो फोन चला। ठीक है? ठीक है दी। मैं जाती हूँ किचन में काम कर लेती हूँ। दीदी मैं कुछ हेल्प कर दूँ? नहीं 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 मैं सब कर लूंगी, तू आराम करना, तू टीवी देख। हाँ ओके। अरे स्वाति बेटा क्या हो गया था तुझे? मम्मी एक बात बताऊं? हाँ बताओ। मुझे ना किसी भूत भूत ने नहीं पकड़ा था, वो तो मैं मम्मी पापा गए हैं बाहर और घर में ना इतना काम है, दी तो मुझसे सारा काम करा करा के मेरी हालत खराब कर देगी, क्या करूँ क्या करूँ। आइडिया, दी को ना बात बना के उसी भूत बंगले में ले जाती हूँ, दी को ना भूत से बहुत डर लगता है, फिर आके नाटक कर दूंगी कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है और फिर सारा काम दीदी से कराऊंगी, बड़ा मजा आएगा। और अगर आपको सच में लगता है ना कि वहाँ भूत है तो आप एक काम करो, आप ना मेरे साथ चलो और चल के खुद अपनी आंखों से देख लेना कि भूत वूत कुछ नहीं है वहाँ पे। हाँ स्वाति तू ना सही कह रही है, मैं भी फालतू में ही डरती थी। अरे दीदी नींबू ही तो है। मम्मी मुझे ना बहुत मजा आया, दीदी ने घर का सारा काम खुद किया, मुझे एक भी काम नहीं करने दिया। स्वाति की बच्ची इसका मतलब तूने मेरा पागल बना के मुझसे सारा घर का काम करवाया? हाँ तो दीदी आप जो मुझसे इतना काम कराते हो घर का उसका कुछ नहीं, और हाँ भूत वूत ना कुछ नहीं होता, ये आपका वहम है वहम। रुक तेरा भूत तो मैं अभी बनाती हूँ।
थका दिया। अरे मैं भागते भागते यहाँ पहुंच गई, ये तो भाई भूत बंगला है। आई होप अच्छे होगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी। तो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी, शूट करने में बहुत मज़ा आया। और अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं जल्दी से ही पार्ट टू शूट करूँगी। स्क्रिप्ट भी मेरी रेडी है। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। नीचे कमेंट कर देना। और हाँ गाइज, एक चीज़ और, परी का पार्ट फोर भी आने वाला है। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए कि पार्ट फोर लाओ। तो फाइनली कुछ रीजंस थे जो मैं पार्ट फोर शूट नहीं कर पाई हूँ, बट अब जो है पार्ट फोर आएगा। बट ये जो बहन बहन और भूत है, इसका एपिसोड सेकंड आने के बाद, ठीक है? तो अब बाय बाय, लव यू, एंड कमेंट करके बता देना।